इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष पद पर फिर से समाजवादी छात्र सभा का कब्जा हो गया है। श्री हरमंदिर साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी में नए दरवाजे लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में बनिहाल से रामवन जा रही मिनी बस जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास गिर गई, फिलहाल बचाव कार्य जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर राज्य के राज्यपाल राम नाईक ने उनका स्वागत किया। IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अगली सुनवाई 19 नवंबर को करेगी। तबियत खराब होने की वजह से सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 5 विधानसभा चुनावों को लेकर तारीख का ऐलान आज चुनाव आयोग कर सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक के बेलगावी में सरकारी अधिकारी चंद्रगौड़ा बी पाटेल के 3 स्थानों पर और बागलकोट में सरकारी अधिकारी चिदानंद के 3 स्थानों पर छापेमारी जारी है। दिल्ली पुलिस ने संभल के बगाड़े गौ तस्कर मोहम्मद साबिर को गिरफ्तार कर लिया है। 25 जुलाई को पुलिस ने द्वारका में एक ट्रक पकड़ा था जिसमें 7 गायें थी। इस दौरान मोहम्मद साबिर फरार हो गया था। शहर बरनाला के SD कॉलेज की ओर से दलित भाईचारे से संबंधित 4 विद्यार्थियों को सस्पेंड करने के मामले में आज सफाई कर्मियों द्वारा पूर्ण तौर पर हड़ताल करते हुए कॉलेज के सभी गेटों के समक्ष कूड़े के ढेर लगा दिए गए, जिसमें स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के हिडन एयरबेस में 86वां भारतीय वायुसेना दिवस का 86वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा।